हेलो स्टूडेंट्स, कोशिश आखिरी टाइम तक करते रहना चाहिए, क्योंकि या तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा और या फिर अनुभव। राइट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मल्टीप्लायर हमने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का क्लियर कर दिया था। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता भी जरूर है। मल्टीप्लायर और एग्रीगेट डिमांड, ये एक से ही टॉपिक है और इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मिले हुए हैं, इसलिए हमने सारे जितने भी फॉर्मूलेस थे आपके एक साथ आपको लिख दिए यहाँ पर, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन प्लस सेविंग्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, C/Y, APS, S/Y, MPC आ जाते हैं। अगर मार्जिनल पे आ जाते हैं तो फिर वो तो डिफरेंसेस ही लिए जाते हैं, तो डेल्टा C/Y और MPS Δs/Δy के मल्टीप्लाई, तो Δy/Δc आपको पता ही है ना इसका फॉर्मूला ये, और या फिर 1/(1 - MPC) या फिर MPS 1/MPS। और APC और APS ऑलवेज इक्वल टू 1, MPC एंड MPS ऑलवेज इक्वल टू 1, C कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस B इज इक्वल टू MPC। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट। नाउ स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स जस्ट लाइक दैट। इफ MPS इज इक्वल टू 0.25, देन मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई, राइट, देन मल्टीप्लाई मतलब K कि आपके सामने आपके फॉर्मूलेज भी हैं सारे, 1/(1 - MPC, राइट, यानी कि MPS है ना, ये हमको हमें ऑलरेडी पता ही है 1/0.25, तो K=4, राइट। ऐसे ये MPS दे रखा है, हो सकता है उन्होंने MPC दे दिया, तो ये हो गया आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके यहाँ आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एक और दे रखा है MPC 0.8, उसके बाद ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹1000, यानी कि Δi, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा है टोटल इनकम, वाई पूछ लिया है ना, वाई पूछा है। अच्छा, अब आते हैं हम मल्टीप्लायर के अपने फॉर्मूले पर। जब MPC 0.8 है तो इसका मतलब MPS 0.2 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि दोनों इज इक्वल टू 1 होते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा 0.2 हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास के ना दो फॉर्मूले हैं, देखो ये है नहीं है, है ना, हम इससे हम K कैलकुलेट कर सकते हैं 1/MPS। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, ये आपका इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम इसके नेक्स्ट टॉपिक की साइड पे। सॉरी सम प्रॉब्लम ना, ये डेल्टा आई हमको पता ही है, ये कितना है हमारे पास 1000। अगेन पुट द फॉर्मूला K=, दिस वन, ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K, 5 = 1000, क्रॉस मल्टीप्लाइज, ओके, डेल्टा वाई इज इक्वल 5000, दिस इज आवर आंसर, क्लियर, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीजमेंट हुआ है कितना, बाय 200 करोड़, और इनकम में इंक्रीज हुआ है 1000 करोड़, तो हमें पूछा है इन्होंने MPC,
ठीक है, एमपीसी कैलकुलेटर, एमपीसी के लिए भी हम यहाँ मल्टीप्लाई का ही फॉर्मूला यूज कर देंगे। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला के इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है, वाई 1000 और आई कितना है 200, हमारा हो जाता है ये 5, के इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब के का सेकेंड फॉर्मूला हम एक और जो हमारे पास है 1/1 माइनस एम पी सी, ना पुट दिस फॉर्मूला, आई कैन डू दिस साइड, 1/1 माइनस एम पी सी, हमको के पता है, के हमको पता चल गया कितना है हमारे पास, ये है 5 का, सही है ना। अब जब हमको, अब देखिए है ना, और कुछ भी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ के मालूम हो गया कि हमारे पास के आ गया है, यानी कि मल्टीप्लाई हमको मालूम है कि मल्टीप्लाई हमारे पास है 5। फॉर्मूला हमने सेकंड अप्लाई कर लिया, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी या 1 माइनस, हाँ हमसे पूछा है इन्होंने एम पी सी का ही पूछा हुआ है ना, एम पी सी या 1/1, वह एम पी एस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम एम पी एस कर सकते हैं या फिर, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम और हम अपना आंसर दे देंगे इनको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम एम पी एस कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आ जाता है हमारा 0.2, ठीक। जब ये 0.2 एमपीएस 0.2 आ गया, एमपीसी कैलकुलेट हो ही जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू, जब एमपीएस कितना हो गया 0.2, तो एमपीसी कितना होगा, दोनों को इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, समझ गए। सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ये 1/1 माइनस एम पी सी ना लिख कर रही, क्योंकि हम एम पी सी नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम कर रहे हैं एम पी एस कैलकुलेट, तो 1/MPS कर देते हैं इसको हम सीधा सीधा, ठीक है, और सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये, आप सही है 5/1 ये हो गया, एम पी एस 1/5 हो गया, 0.2 हो गया एम पी एस, एम पी सी कैलकुलेट करेंगे आप, एम पी एस 1 में से 0.2 लेस कर देंगे, एम पी एस आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम इक्वल करते हैं तो ये 1 आ जाना चाहिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, देन नेशनल इनकम 2000 करोड़, ऑटोनोमस कंजप्शन 400 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200, फाइंड आउट एन पी सी फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू सी बार, ये तो यही है और प्लस एम पी सी वाई प्लस आई, अगर ये लोग हमसे एम पी एस के लिए कह देंगे तो यहाँ पर हम एम पी एस लिख देंगे, एम पी सी एम पी एस इज इक्वल टू 1, ये आपको पता ही है, ठीक है, चलते सिंपल, ये सब चीज़ें इसी को ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे देते हैं, फॉर्मूलेज यही रहेंगे, फॉर्मूलेज में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट कर लेते हैं, वाई नेशनल इनकम 2000, ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन 400 प्लस एम पी सी वाई, तो पता ही नहीं है एम पी सी में, हमें कैलकुलेट ही करना है, तो प्लस इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, शिफ्ट द वैल्यूज, ओके, आ जाता है हमारे एम पी सी की वैल्यू, अगर इसी को एम पी एस पूछ लेते ये लोग है ना, तो क्या करते,
वन माइनस पॉइंट सेवन हो जाता तो वो पॉइंट थ्री हो जाता है। ये हो गया एक हमारा, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन सी प्लस एम पी सी वाई प्लस आई इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, अब कुछ टेबल वाले क्वेश्चंस और हम सॉल्व कराते हैं। नाउ लुक एट दिस टेबल, इनकम मीन्स बाय कंजप्शन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीसी, ब्लैंक कॉलम जितने भी हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। इस टाइप की टेबल आपके यहाँ आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखें, इसे देखेंगे और फिर हम समझेंगे चीज़ों को। इनकम 400 800 ये नहीं पता, कंजप्शन हमको सब पता है ना, एपीएस। नाउ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर टेबल को कंप्लीट करेंगे, राइट। अच्छा एक और चीज़, जब हमको एपीएस पता है, कंजप्शन हमको पता है, तो हम आराम से सेविंग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेविंग का कॉलम नहीं दे रखा लेकिन सेविंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इनकम 400 थी, कंजप्शन 240 था, तो फिर हमारी सेविंग कितने की हो जाती है, 160 की, सही है। इनकम 800 की थी, कंजप्शन 440 का था, सेविंग हो जाती है हमारी 360 की। ठीक है, अभी इस वाले में हमको पता नहीं है, नहीं पता है ना, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब अच्छा अब ये इसका ये सेकंड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, जब हमारी सेविंग 360 की हमको पता चल गई तो हमारा एपीएस निकालने में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये फॉर्मूला आपके सामने, एस अपॉन वाई है ना। सेविंग हमको पता चल गई 360 की है, वाई कितना है हमारा 800 रुपीज़ का है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, मतलब ये वाली हमारे पूरा ये हो गया। अभी अब हमारा क्या रह जाता है, अभी हमारी ये वाली सेविंग, अभी हमारी ये वाली इनकम रह गई और ये हमारी सेविंग भी रह जाती है। ठीक है, आ जाते हैं इस पॉइंट पर। ये हमको पता है कि एपीएस कितना है, 0.48 का है ना, और हमको ये भी पता है कि एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जब हमको पता है एपीएस 0.48 है तो हम इसमें से 1 में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा 0.52 ये हमारे आ जा रहा है सेविंग्स 0.52। ठीक है, 0.52 सेविंग्स ये आ जाती है हमारी, इसका मतलब ये हमारी हमारा क्या हो गया, ये हमारा इतना हमारा हो रहा है हमारा कंजप्शन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है कंजप्शन। और इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग इनकम ही तो होती है, और क्या होता है, समझ गए। कंजप्शन क्या होता है, इनकम प्लस सेविंग्स, बस सीधी सीधी बात है। ये कितना हो जाता है हमारा 480 प्लस 520, ये तो कंजप्शन था हमको पता ही है, ये हमको एपीएस पता चल गया 0.48 है। ठीक है, कितना हो जाता है 1000, इनकम आ जाती है हमारी कैलकुलेट होके 1000 की। बस इनकम जब पता चल गई हमारी 1000 की है, 520 की ये हो जाती है, तो ये कितना हो गया हमारे 480 का, ये आ जाती है सेम हमारे, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आ जाती है हमारी एमपीसी की बात। एमपीसी के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई। एमपीसी फर्स्ट में कैलकुलेट होती नहीं है, ठीक है, सेकेंड में कैलकुलेट हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। डेल्टा सी दोनों में डिफरेंस 200 अपॉन 400, ठीक है 0.5। उसके बाद यहाँ पर 80 अपॉन 200 0.4, ये हो गया एमपीसी सॉल्यूशन के सामने है। ठीक है, उसी से इन्हीं फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले सभी सेम अपने आप में, बस ये सीख जाएगा आप, इसका ये
एस वाला फॉर्मूला भी लिख लेके आ सकते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज इनकम 5,000 to 6,000 करोड़, है ना। इनकम में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, बहुत जल्दी आपको आंसर अपने आप समझ आ जाएगा। इनकम कितनी थी पहले, 5,000 थी, और अब कितनी हो गई, 6,000 हो गई। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से वो हुआ 20% से। अब हमें मल्टीप्लायर निकालना है यहाँ पर, है ना, ये कितना चेंज होगा, किस रेशियो के हिसाब से चेंज हो रहा है इसमें। अब देखते हैं, देखो तो डेल्टा वाई कितना चेंज हो रहा है, 5,000 to 6,000 मतलब 1,000 का चेंज है। ये हमको डेल्टा आई इन्होंने हमको बताया कि ये 20% का चेंज है, है ना। हम इनकम में भी देखेंगे, इनकम में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, कितने परसेंटेज का, परसेंटेज निकाल लेंगे ना, 5,000 से 6,000 हुआ तो मैंने 1,000 का हुआ, तो 1,000 का परसेंटेज निकालना बहुत ईजी बात है, 1,000 upon 5,000 से 1 into 100, है ना, ये हो जाता है हमारा 20%। माने इनकम में भी 20% ही चेंज हुआ है, इन्वेस्टमेंट में भी 20% ही चेंज हुआ है, राइट, है ना। बस अब क्या देखें, के की वैल्यू तो हमारे हमने निकालनी है, डेल्टा वाई और डेल्टा आई, है ना, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, इसका मतलब वन, इसका मतलब जैसे 2 times हो जाता है, 3 times हो जाता है, ये 1 time हो रहा है, जितना उसमें चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चेंजेस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस हो गए। क्वेश्चन ऐसे इंक्रीज वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके चलो, आई थिंक सफिशियंट है आपके लिए। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी किसी भी तरीके की पूछ सकते हैं। ओके चलो, टेक केयर, गुड बाय।